हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी काशी भाई। तो आज एक नई वीडियो के साथ आप खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज जो है ये मेरी सीरीज़ का जो है ये सेकंड एपिसोड है। इसके अंदर बेसिकली जो है मैं लाहौर फोर्ट के जो चार पॉइंट हैं उनको डिस्कस करूंगा। इसमें आलमगिरी गेट है, मासूमाना गेट है, अकबरी गेट है और मकतब खाना है। तो वन बाय वन मैं इनकी हिस्ट्री बताऊँगा, आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो है मासूमाना गेट से, दोस्तों इस गेट की थोड़ी मैं डिटेल से बात करूँ ना, तो ये एक ब्रिज है बेसिकली जो है उसको ये कनेक्ट करता था उन बहुत सारी पुरानी चीज़ों से जो कि बादशाह ने बनाई हुई थी, जैसे कि शीश महल और दूसरी चीज़ें। इसके अलावा मैं और आपको बताऊं कि ये जैसे आलमगीर दरवाजे से बाहर निकलते थे तो एक स्टेयर्स जाती थी। अगर आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे, ये जो स्टेयर्स हैं ये बेसिकली यहाँ से निकलते थे और ऊपर वो गेट जो है गेट तक चली जाती। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ये स्टेयर्स जो है डिमोलिश हो गई, उन्होंने क्या किया इसको थोड़ा साइड से काट दिया। तो काट, लेकिन अभी भी अगर आप देखें ये जहाँ से उन्होंने काटा है उसके ऊपर जो है स्टेयर्स देखी जा सकती हैं। मतलब कि पुराने तर्ज की जैसे छोटे छोटे स्टेप उन्होंने बनाए थे, जो शहजादा अपनी क्वीन के साथ जाता था तो यहाँ से वो गुजरते थे और इस हाइट वाले दरवाजे को यूज़ करते थे और एक अंदर एक ब्रिज बना हुआ उसको क्रॉस करके वो जो है अपने जो अंदर मेन पॉइंट है शीश महल है, जहांगीर को ट्रेंगल्स है, तो वहाँ पर जाते थे। इसकी खूबसूरती ये है, दरवाजे की स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर जो ब्रिज है ना वो इसको लेवल कराता है। मतलब क्या कि उन्होंने जो है जब बंदा यहाँ से गुजरता है इस दरवाजे से होते हुए, ब्रिज से होते हुए, तो एक हाइट का मंजर जो है पेश करता है। तो बंदा ऊपर से हाइट से किले को देखता है तो उसका एक अपना ही व्यू है जो कि बंदे को दिल को जो है ना पूरी मुसरत फीलिंग देता है। चलते हैं आपको जाकर मैं दिखाता हूँ अंदर का क्या व्यू है। दोस्तों ये जो है बेसिकली अगर अपनी बैक साइड पर देखें तो ये एक ब्रिज बना हुआ है जो मैं मासूमाना गेट के बारे में बता रहा था। तो मासूमाना गेट जो है आप अगर ये मेरी देखें राइट साइड पर, तो यहाँ से जो है इसका कनेक्शन दिया गया था एक ब्रिज के थ्रू। ये जो ब्रिज था बेसिकली ये देखें ना, मतलब ऊपर से किले को बड़ा करता था सारा एक्सप्लोर किया, ऊपर से हाइट से किला किस तरह नजर आता है। तो वहाँ से जो विजिटर आते थे, यहाँ जो बादशाह था क्वीन के साथ, उस गेट से वो गुजरते थे और ये ब्रिज जो है इसको क्रॉस करके तो शीश महल और जो अंदर दूसरी बिल्डिंग है वो जाके जो है वो उसमें अपना जो क्याम करते थे। तो इस दरवाजे की खूबसूरती बेसिकली इस ब्रिज के साथ ही। और अगर आप कभी भी शाही किला आते हैं मेन इंटरेस्ट से, तो यहाँ पे जो ब्रिज जो है बंदे को फुली अट्रैक्ट करता है कि यार मतलब इतना पुराना किला बना हुआ है लेकिन जो ब्रिज जो है ये नए दौर की अक्कासी करता है। और जिस तरह का डिज़ाइन अगर आप देखें तो क्या ही क्लास और क्या ही अच्छा व्यू है। तो चलते हैं ऊपर चल के ब्रिज को देखते हैं, ऊपर से कैसा मंदिर है और क्या नज़ारे हैं और किस तरह से देखने से हाइट से किस तरह से मंदिर आता है वो चल के देखते हैं। ये है जी मसमन गेट की हाइट बेसिकली। यहाँ पर जो है हम आ गए हैं ऊपर, मेरी बैक साइड पर जो है ये शीश महल वगैरह और सारी चीज़ें हैं और जो रास्ता कनेक्ट करता है और अंदर के व्यूज़ कैसे हैं वो आए आप मैं शेयर करता हूँ। तो आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं इस दरवाजे का जो नाम है जी आलमगिरी गेट। ये बेसिकली बादशाह आलमगीर ने तमीर करवाया था 1673 में। इसकी मैं आपको थोड़ी डिटेल से बताऊं तो चलते हैं चलकर गेट देखते हैं। इसका जो गेट है इसके गेट की क्या हाइट है, कितनी विड्थ है और ये क्यों इस तरह से बनाया गया है। दरवाजे की जो है मेन इंटरेस्ट जो है इसकी जो स्ट्रक्चर किस तरह का, कैसे इसकी हाइट है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आए ज़रा देखते हैं क्या सिस्टम है कि ये जो दरवाज़ा है बेसिकली ये इसकी जो हाइट है और इसकी जो विड्थ है ये उन्होंने जो पुराने तर्ज पर बनाया हुआ, और बादशाह जब अपनी क्वीन के साथ यहाँ से गुजरता था तो बेसिकली वो हाथियों से गुजरते थे। तो इसकी जो विड्थ जो बनाई है या इसकी जो हाइट जो बनाई है तो इसी तर्ज की पुराने तर्ज की बनाई है कि जब वो यहाँ से गुजरते थे तो बड़ी आसानी से मतलब जो हाथियों के ऊपर से वो गुजर जाते थे। और जब बंदा नया बंदा या कोई बंदा इसको आगे जब देखता है यहाँ पर खड़ा होता है तो फर्स्ट ग्लैंस जो पड़ती है ना दरवाजे पर इस पुरानी तर्ज की जो उन्होंने जितना बड़ा और जितना ह्यूज बनाया हुआ है तो बेहतरीन किस्म का मंजर जो देखने को मिलता है और बंदे का दिल खुश हो जाता है। मजीद जो है दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो जो यहाँ पे जो है इसके जो दरवाजे का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया कि यहाँ पे साइडों पे जो है ये दो जो है इन्होंने मीनार बनाए हुए हैं। मीनार का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि मतलब पहले ये इसकी हाइट आती है सारी, ऊपर जाके जो है वो शार्प एजेस बनाए हुए हैं। वो जो शार्प एजेस हैं वो इस तरह से जैसे नाइफ के एजेस होते हैं और वो बने हुए हैं। और साथ ही ऊपर क्राउन नुमा जो है एक जैसे ताज होता है वो बनाया गया। और ये जो ताज है ये प्रेजेंट करता है बादशाहत को, या बादशाह का जो मैार लेवल है उसको ये बताता है। इसकी खूबसूरती जो दरवाजे की है ये जो क्राउन बने हैं इसकी वजह से है। मज़ीद थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊं तो सेंटर के ऊपर जो है पाकिस्तान का फ्लैग है। यहाँ पे जो भी जिनकी भी हुक्मरानी आती थी, मतलब जो दौर गुजरे हैं, मतलब ब्रिटिश दौर गुजरा है, सिखों का गुजरा है और जो मुग़ल एम्पायर का दौर गुजरा है,
तो जिनकी भी हुक्मरानी होती थी वो ये फ्लैग जो है ये बड़ा सरबुलंद होता था और एक दोनों मीनारों के दरमियान में जगह ये जो बालकनीज बनी हुई हैं साइडों पे, ये बेसिकली जो है यहाँ पे जो गार्ड होते थे वो यहाँ पे पहरेदारी के लिए बैठते थे दोनों साइडों पे। और एक बड़ी प्यारी चीज़ यहाँ पे होती थी वो ये होती थी कि जब बादशाह अपनी रानी के साथ गुजरता था तो उन पे जो ना फूलों की बारिश भी वो करते थे और इसको इसलिए भी इस्तेमाल करते थे। बहुत ही एक मोहब्बत भरा और बड़ा ही लेवल का जो है इसका स्ट्रक्चर है, मतलब ये इस इतना आप कह लें कि इतना कॉम्बो स्ट्रक्चर है। कॉम्बो स्ट्रक्चर मतलब कि इसमें वार की निशानी भी है, क्राउन जो है वो बादशाह की बादशाहत को जो है वो नुमाया करते हैं और ये बालकनीज जो हैं जो मैंने फूलों का जिक्र किया तो ये प्यार की जो है अलामत शेयर करते हैं। और ये दरवाज़ा बड़े ही प्यारे अंदाज में बनाया गया, इसको जो है सिखों के दौर में एक दफ़ा डिमोलिश कर दिया गया था, बाद में जो है ये ब्रिटिश ने इसे दोबारा रीबिल्ड किया है। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। अब मैं आपको अंदर से रिव्यू देता हूँ, अंदर से बाहर का सीन है वो बताता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, अगर आप देखें आके तो जो कलर जो होते हैं ना, कलर मतलब कलर होते हैं वो प्यार की निशानी होते हैं, मतलब प्यार को जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आप ये कलर देखें, ये बेशक अभी के दौर के हैं लेकिन उससे ही पुराने दौर की अक्कासी के तौर पे बनाए गए हैं। मतलब ये ग्रीन है और ये रेड है, ग्रीन अमूमन जो है ये पाकिस्तानी कलर जो है इसको जाना जाता है और ये जो है सिखों का कलर जाना जाता है। तो मैं मतलब इस चीज़ को इससे रिलेट करूँगा कि उनके तौर की जो हर एक निशानी थी ना, ये जो कलर है, ये जो पिक्चरें हैं, ये जो डिज़ाइनिंग है, ये अपने आप को जो है उस सारे जो जिन दौरों से ये किला गुजरा उसके जो अपने अंदर समोए हुए हैं और बड़ा ही प्यार का एक मंजर जो है वो ये पेश करते हैं। एंड मैंने एक चीज़ जो आपसे शेयर करनी है जो कि मुझे बड़ी लेवल लगी, वो देखने के लिए आप दरवाजे से बाहर निकलकर फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। आज चलते हैं देखते। दोस्तों, जब बादशाह जो था वो अपनी शहजादी के साथ जब दरवाजे से बाहर आता था आलमगीरी दरवाजे से, इस दरवाजे की सबसे ज़बरदस्त चीज़ है ना कि जब वो बाहर आता था सामने बैक साइड पे नज़र पड़ती है बादशाह मस्जिद और हजूरी बाग पे, और ये इतना रोमांटिक मंजर है ना कि मतलब कहता है एक तो इस्लामिक टच आता है कि यार मस्जिद या नमाज पढ़ने के लिए निकलते थे और दूसरा जो बाग है उनके बैठने के लिए उसके आराम बाग के लिए, तो ये ऐसा क्लास मंजर है कि बंदे का दिल है जो देख के बाग को देख के बंदे का दिल बाग बाग हो जाता है। जी दोस्तों, थर्ड वन जो मेरे आज का मोनोमेंट है उसमें ये मकातब खाना के नाम से एक उन्होंने अंदर बिल्डिंग बनाई है। इस बिल्डिंग का जो पर्पस था बेसिकली ये बनाया गया था जो रॉयल लोग होते थे उनके जो क्लर्क्स थे उनके बैठने के लिए बेसिकली जगह बनाई गई थी। इस चीज़ का, इस बिल्डिंग का मकसद ये था कि जो लोग भी फोर्ट में एंट्री करते हैं उनके जो नाम है या उनका जो भी एक शनाख्त होती थी वो रजिस्टर करते थे कि यार ये बंदा है ये कोर्ट में इस टाइम पर आया, इस टाइम पर इन हुआ, इस टाइम पर आउट हुआ। अंदर इसकी बिल्डिंग इतनी क्लास है, ये उस वक्त का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना प्यारा बनाया हुआ वो आपसे शेयर करता हूँ। अंदर चल के इसको क्वाड्रेंगल्स हैं वो आपको दिखाता हूँ, आपको देखने में मज़ा आएगा। आए चलते हैं, चेक करते हैं, मैं व्यूज़ दिखाता हूँ कि क्या प्यारे व्यूज़ हैं। जो है ये है ये मकातब खाना, मतलब इसकी अगर आप देखें कि मतलब जो अरूज था इस जगह का यार, जो मेयार था जो लोगों ने इसको बनाया कि ये जो क्वाड्रेंगल अगर आप देखें छोटे बेसिकली ये सिटिंग के लिए थे कि यहाँ पे जो है क्लर्क्स बैठे होते थे और वो जो बैठ के सारी यहाँ पे जो फॉरनर कह ले आते थे या जो बाहर के लोग आते थे जिन्होंने अंदर फोर्ट देखना होता था, बादशाह से मिलना होता था, अब वेटिंग रूम कह लें या क्लर्क रूम कह लें कि इतने बड़े सिस्टम को मैनेज किया हुआ था एक छोटी सी प्लेस ने, मतलब जो बंदा आ रहा है किस टाइम पे इन हो रहा है, किस टाइम पे आउट हो रहा है। और ये जो इनके अगर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं इनकी क्या ही लेवल ब्यूटी है और क्या ही मतलब एक बेहतरीन अंदाज से बनाए गए हैं कि आज के दौर पर भी हमें मतलब लगते हैं कि यार शायद ये कुछ जदीद जो है ये फ़न इसमें दिखाया गया। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि ये जो अंदर वर्क है सारा इसका, सारी बिल्डिंग जो ना इन्होंने मतलब कलरिंग जो की है अंदर, कलरिंग बड़ी आउट क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त कलरिंग की हुई है। और ये जो है जो मतलब एक ये जगह ओवरव्यू दे रही है कि जो उनका हेड होगा कलरकों का, जो मेन बंदा होगा वो यहाँ पे सिटिंग करता होगा और यहाँ से वो जो आने वाले विजिटर्स जो होते थे उनसे उनके सारे जो नाम है जो चीज़ें यहाँ नोट होती थी और वेटिंग रूम भी था ये और लोगों का जो है सारा निज़ाम भी इसमें संभाला हुआ था। और इसमें जो हमारे जो अभी जदीद जो मुल्क हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो जब इसकी हिस्ट्री लिखते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो है ये जो मुग़ल लोग थे उनका मतलब समझ लें कि ये एक शानदार किस्म की हिस्टोरिक प्लेस है, मतलब अभी इस जगह को मानते हैं कि यार उनका कैसा क्लास निज़ाम था और मतलब उन्होंने जो मैनेज किया हुआ था इतना पहले। तो ये हिस्ट्री है, ये कल्चर है, ये सकाफत है जो कि बंदा जब देखता है इस तरह की चीज़ें तो बंदा कहता है एक चीज़ के साथ जी क्या ही जदीद जो है तमाराते फन दिखाया गया जो कि दिल को जो है ना वो सुकून भी देता है।
तसल्ली भी देता है और ये हौसला भी देता है कि आप जो है उस वक्त के दौर का इस तरह का निज़ाम चला सकते हैं, तो बंदे को एक इंकरेजमेंट मिलती है कि यार कि वो हम हमारे जो पहले लोग थे वो कैसे थे और हमने किस तरह से अपने कल्चर को लेकर चलना है। दोस्तों किले के अंदर मोनूमेंट्स की बात करें, वो तो बंदा एक मोनूमेंट को खाए और बंदा बोलना शुरू करे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी बोलता बोलता ना थकूँ और आपको भी सुनते सुनते ना थके, लेकिन टांगे तो थकी जाती हैं। तो उसमें बैठ गया, मैंने कहा लास्ट रह गया तो वह बताता हूँ। फोर्थ वन जो मेरा मोनूमेंट है ना आज के एपिसोड का, वो है जी अकबरी गेट। अगर आप मेरी लेफ्ट साइड पर देखें तो ये है जी अकबरी गेट। इसकी जो हिस्ट्री है जी, ग्रेट अकबर ने इसको डेवलप किया था और बहुत ही लेवल किस्म का बनाया था। इसके अंदर क्या क्या सीन है, क्या क्या मनाजर है, क्या क्या इसकी हिस्ट्री है, चलते हैं चल के व्यूज देखते हैं और अपने व्यूअर्स को जो है शेयर करते हैं। किले की अगर हिस्ट्री जो है ये बड़ी पुरानी है, मतलब के मुगल दौर के अंदर जो है ना बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं। इसमें दरवाजे मुख्तलिफ हैं, मतलब जैसे आलमगीरी गेट मैंने आपको बताया, मैंने आपको मसमन गेट बताया। अकबरी जो गेट है ना, इसकी हिस्ट्री ये है, ये शहजादा अकबर था उसने तमीर करवाया था। गुजरता था वहाँ से दिल्ली गेट से, अपनी शहजादी के साथ सजे हुए हाथियों पर बैठ के वो आता था और जो है वहाँ से जो फूलों की बारिश उन पर की जाती थी। तो इस गेट के ऊपर एक ऐसा उन्होंने क्लास व्यू दिया हुआ है जो कि उनकी इंटरेस्ट को और ज़बरदस्त बना देता था, तो वो मैंने आपको बेसिकली दिखाना है। तो आए वो मैं दिखाता हूँ आपको उसका क्या सीन है। इस दरवाजे की जो खूबसूरती है ना, जो सबसे मुझे वीआईपी चीज लगी है कि मैंने कहा अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, जब वो दिल्ली गेट से बादशाह शहजादी के साथ सजे हुए हाथी पे बैठ के जब वो आता था, अपने रॉयल ट्रेल से गुजरता हुआ यहाँ पे पहुंचता था, वो अकबर जो है वो इस दरवाजे से आता था। इस दरवाजे में जो मेन अगर आप देखें ऊपर ये बालकनीज बनी हुई हैं, दो मंजिला ये बिल्डिंग है, ऊपर जो है ये तीन उन्होंने बालकनीज बनाई हुई हैं, जो शहजादी की जो सहेलियाँ थी या जो उसके जो मतलब मुलाजिम थे वो फूल लिए यहाँ पे खड़े होते थे ऊपर, और यहाँ पे जो है इनके जो गार्ड थे वो रेड कलर का कलरफुल लिबास पहन के जो है वो अपने सर झुकाए हुए खड़े होते थे, और जैसे जो वो रॉयल ट्रेल से गुजर के यहाँ पे आता था अकबर अपनी शहजादी के साथ, तो उन पर फूलों की जो बारिश की जाती थी तो वो क्या ही ज़बरदस्त मंजिल था और क्या ही ज़बरदस्त मंजर देखने को मिलता था। उसके अलावा दोस्तों इस जो गेट को बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, मतलब ये जो किला बहुत सारी जंगों से गुजरा है, तो ये जो एक तो मैंने बताया कि जब शहजादी गुजरती थी तो फूलों की बारिश होती थी, इसके अलावा पहरेदार जो थे आम दिनों के अंदर वो पहरेदारी करते थे और किले की जो हिफाजत करते थे। एंड में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको अकबरी गेट का, तो इसके नीचे बेसमेंट है, जो बेसमेंट में जो शहजादा अकबर था वो यहाँ पे अपनी आरामगाह के तौर पे, मतलब एक जगह थी वहाँ पे वो आके आराम करता था। तो ये थी दोस्तों मेरा आज का एपिसोड, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मेरी सीरीज़ के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि मैं जो बादशाह का जो जौक था उस जौक की जो दास्तान थी मैं अपनी ज़ुबान से आपको सुना सकूँ। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।